ओम शांति। 28 अप्रैल 2020, आज की बाप दादा की साकार मुरली में। वैसे तो बाबा ने जो बातें आज हमें बताई हैं वो बाबा हमें समझाते ही रहते हैं मुरलियों में, लेकिन आज जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण ने कहा था मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो बाबा ने उस चीज़ को ज़रा आज एक्सप्लेन किया है मुरली में कि जैसे ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आने से पहले ज्वेलर थे, है ना, उनकी ज्वेलरी की शॉप थी, तो हीरे का व्यापार करते थे, बिजनेसमैन थे, तो हर कोई उनको इज्जत देता था। लेकिन जैसे ही बाबा की प्रवेशता हुई, उन्होंने जैसे ही सबको बताना शुरू किया कि ईश्वर उनके माध्यम से नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो हर कोई फिर उनको गलत समझने लग गया। तब वो बाबा एक्सप्लेन करते थे, ब्रह्मा बाबा, कि काम तो सब कुछ उसका है, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो इसी चीज का यादगार है कि मैं नहीं माखन खायो, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, करने वाला तो वो है, और तुम सब मुझे जो ब्लेम करते जाते हो। बाबा की स्थिति नहीं बिगड़ती थी, लेकिन ये कहावत का एक्सप्लेनेशन आज की मुरली में है। और बाबा ने आज दान और विनाश के ऊपर बात किया है कि दान अगर हमने किसी को कुछ दिया या अपना जमा करने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में लगाया, और अगर उसकी तरफ ममत्व किया या फिर एक सेंस क्रिएट किया कि थोड़ा भी अगर अटेंशन उस तरफ गया, बेसिकली बाबा ने कहा, तो उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि दान में दी हुई चीज बाबा ने कहा मन से भी वापस नहीं लेना है। और बाबा ने दान का विशेष मीनिंग बताते हुए ये कहा कि अभी विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, और जो कुछ इन आंखों से हमें दिखाई देता है, जितना भी चाहे किसी के पास वेल्थ हो, कुछ भी हो, वो सारी ही चीजें खत्म होनी है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो बेशक बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन हर किसी का हाथ खाली हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम जब अभी इस ज्ञान यज्ञ में इंश्योर करते हो तो तुम बच्चे हाथ भरतू करके जाते हो, क्योंकि मित्र संबंधी आदि जो भी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने मुरली में इशारा भी दिया कि जब तुम यहां बैठते हो तो तुम्हारी धंधे धोरी आदि की तरफ ख्यालात नहीं जाने चाहिए। यहां जब अपने आप को रिचार्ज करने के लिए बैठे हो, बाबा की मुरली में, बाबा की याद में, या मधुबन गए हैं, तो बाबा ने कहा कि इधर उधर बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा ने आज मौत सामने खड़ी है, बाबा ने कहा ये बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं, मौत सामने खड़ी है, बाबा ने कहा ये मेरी श्रीमत है तुम्हारे लिए कि इस पतित दुनिया को खत्म होना ही है, और बाप के आगमन से बाबा आया है इस पतित दुनिया को खत्म करने के लिए, और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सारी की सारी पुरानी दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। बाबा ने सत्युग में जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है उसके बारे में उस बात को ध्यान में रखते हुए कहा, जैसे मान लो आज किसी के पास हेल्थ है और वेल्थ नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती, हेल्थ है वेल्थ है तो ही हैप्पीनेस। और हेल्थ में केवल बाबा फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा है, हेल्थ फिजिकल मेंटल सोशल और स्पिरिचुअल, ये चारों ही चीजें मिलकर के हेल्थ बनती है। हेल्थ मतलब हेल्दी, हेल्दी मतलब हील प्लस डाई, विच मींस टू हील योरसेल्फ, डाई मतलब योरसेल्फ, और हील मतलब क्योर करना, तो जो खुद को हील कर सकता है, जो खुद को ठीक रख सकता है, दैट इज हेल्दी। तो वो ठीक रखना मेंटल, ठीक रखना फिजिकल, ठीक रखना सोशल, ठीक रखना स्पिरिचुअल, तो हेल्थ में सारी चीजें आ जाती हैं। और हेल्थ हो गया तो अब जो अनदर बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज वेल्थ। तो बाबा ने कहा सत्युग में हेल्थ भी है और सत्युग में वेल्थ भी है, इसलिए सत्युग में हैप्पीनेस तो है ही है। और यहां पर किसी के पास वेल्थ है और हेल्थ में जो ये चार कैटेगरीज बताई, इसमें हो सकता है किसी का फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा हो, लेकिन मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है फिजिकल मेंटल दोनों ही अच्छा हो, तो उसका सोशल हेल्थ हो सकता है अच्छा नहीं है। तो ये चारों ही हेल्थ हेल्दी होने चाहिए अगर आप सच में हेल्दी कहलाना चाहते हैं। और बाबा ने ये भी समझाया कि यादव कौरव जो हैं ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है, कि जैसे 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 विनाश नजदीक आता जाएगा बुद्धि विपरीत होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे कोरोना फैल रहा है, जितना ज्यादा फैलता गया तो स्टार्टिंग में कोई भी मेजर नहीं लिया गया, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग पॉज हो गया, तो वो चीज काफी लंबे स्केल पर पहुंच गई, जिन भी कंट्रीज में फैला है हम सब अवेयर हैं उस चीज को लेकर के। और लेकिन हिंदुस्तान में उस चीज को टाइमली एक्ट करने की वजह से कंपैरेटिवली है, तो यहाँ पे भी, लेकिन कंपैरेटिवली तो कम है ही। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे विनाश होगा तो
तुम बच्चों की, मतलब भारतवासियों की, पांडव की स्पेसिफिकली, जो बाबा के बच्चे हैं, उनकी प्रीत बुद्धि होगी और यूरोप वासी की विपरीत बुद्धि होगी। बाबा कभी भी ज्ञान प्रेरणा से, मतलब विचार से नहीं देता है, ये भी चीज आज की मुरली में बाबा ने समझाया। और किसी एक द्रौपदी या दुशासन की बात नहीं थी, वो हम सभी, मतलब ये पूरी दुनिया द्रौपदी और दुशासन का एक एग्जाम्पल बन करके उस स्टोरी में आया था। देही अभिमानी के ऊपर इशारा देते हुए बाबा ने कहा, अगर तुम देही अभिमानी रहेंगे तो ये स्वतः तुम्हें स्मृति रहेगी कि हम सभी आत्मा हैं और ये शरीर जो है ये बाजा है। देही अभिमानी, अभिमान कैसा हो, जैसा एक आत्मा का होता है। अभिमान मतलब जो खुद के लिए रिस्पेक्ट है वो कैसा हो, जैसा एक सोल के लिए होता है, आत्मा की क्वालिटीज के लिए होता है। आत्मा है तो शक्तिशाली है। तो बाबा ने कहा, अगर तुम देही अभिमानी में हो तो हम आत्मा है और ये शरीर बाजा है, इस चीज के नेचुरल स्वरूप में तुम रहेंगे। और बाबा ने ये भी बोला कि ये जो ड्रामा है इससे कभी कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि तुम सभी एक्टर्स हो। और ये अगर तुम परमधाम में भी हो, सपोज सत्ययुग और त्रेता युग में जो आत्माएं परमधाम में स्थित हैं, तो वो उनका पार्ट है, वो मोक्ष नहीं है, वो उनका पार्ट ही है उस समय परमधाम में रहने का। फिर ड्रामा अनुसार वो अपने पार्ट पर, देह धारण वाले पार्ट पर आकर के अपना एक्ट प्ले करेंगी। और बाबा ने कहा, दूसरों का चिंतन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अभी आत्मा के पंख भी एक तरफ से टूटे हुए हैं और दूसरी तरफ चिंतन करेंगे तो और भी ज्यादा कमजोरी आएगी। पंख टूटना मतलब अंडरस्टैंडिंग टूट जाना, जिसकी वजह से हल्के नहीं रहते हैं, उड़ने की क्षमता नहीं होती है। और आज के वरदान में बाबा ने हमें उदाहरण स्वरूप भव इसका वरदान दिया है, कि तुम्हारे जो मूल संस्कार हैं, जितने अपने मूल संस्कार जो पहले के शरीर वाले थे, उनके परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव, मतलब जो जो मूल संस्कार, जिसको नेचर हम लोग कह करके ओवरलैप कर देते हैं कि ये तो मेरा नेचर है ना। बाबा ने कहा, उस नेचर को परिवर्तन करो, क्योंकि वो देह अभिमान के ही वश में है। तो उस चीज को कन्वर्ट करके तुम विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे और उदाहरण स्वरूप बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे। और बाबा ने बोला, अब प्रयत्न का समय बीत चुका है, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा करके जीवन का परिवर्तन करो। ओम शांति।